हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्रत स्पेशल धनिया की हरी चटनी बनाएंगे। आप इस चटनी को किसी भी स्नैक के साथ सर्व कर सकते हैं और नॉर्मल डेज में भी खा सकते हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो के मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप इस चटनी को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, वो भी डंडल के साथ। मैं इसकी डंडल को कट नहीं करूंगी, इसको ऐसे ही इस्तेमाल करूंगी। इस धनिया को अब मैं मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल लूंगी। यहाँ मैंने धनिया को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल दिया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 4 से 5 हरी मिर्च ले रही हूँ। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो मिर्ची कम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी अदरक। एक चम्मच जीरा। एक छोटी चम्मच सेंधा नमक। अब नमक की मात्रा को बढ़ा या कम कर सकते हैं एज पर योर टेस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट नींबू का रस, ये हमारी चटनी को काला नहीं पड़ने देगा। ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा ठंडा पानी, याद रखिए दोस्तों, हमने ठंडा पानी ही लेना है। कई बार मिक्सी चलाते समय मिक्सी गर्म हो जाती है, जिससे हमारी चटनी में कड़वापन आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी एकदम बनके रेडी है। बिल्कुल पतली भी नहीं है, गाढ़ी गाढ़ी चटनी है। बाकी इसकी कंसिस्टेंसी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसमें नारियल भी ले सकते हैं, पर मैं इसमें वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ जो इजीली हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। अब मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। आप इस चटनी को ऐसे ही आइस क्यूब ट्रे में डाल सकते हैं, और डालने के बाद इसको आप 5 से 6 घंटे फ्रीजर में रखते, जब ये अच्छे से जम जाए तब आप इसको जिप पॉलीथीन में 6 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, आपने इसको फ्रिज में नहीं फ्रीजर में रखना है। हाँ जी फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ मेल पे भी शेयर कर सकते हैं, tummyhunger@gmail.com। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।